हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शनिवार का दिन था, शाम का टाइम था, सुबह मैंने उड़द की दाल जो है वो भिगो दी थी, यहाँ पे वो भीग चुकी है। और आज मैं सबसे पहले वो काम करने वाली हूँ जिसके करने से सारी टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर इत्मीनान से कुछ भी काम करो। पहले मैं ऐसा ही करती थी और जिसके हो जाने से बिल्कुल माइंड ना फ्री हो जाता है और बैठ के इत्मीनान से आप कुछ भी कर सकते हो, अपने शौक पूरे कर सकते हो या आपका कोई एक्स्ट्रा काम है वो कर सकते हो। सुबह सुबह भी मेरा ये काम हो जाता है ना, यानी कि खाना बनाना, तो बिल्कुल मैं फ्री हो जाती हूँ और मैं इत्मीनान से कई सारे काम कर पाती हूँ। और वरना क्या होता है ना कि कई लेडीज़ ना अटकी रहती हैं खाना बनाने में, हम लोग अटके रहते हैं कि खाना जब तक नहीं बनता है तो ये सोचते रहो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, रोटियाँ हैं बनानी है या ये बनाना है वो बनाना, उसकी वजह से किचन भी हमारी जल्दी से साफ नहीं हो पाती है। तो पहले तो मैं इसीलिए 5 बजे ही खाना बना लिया करती थी शाम के, आजकल थोड़ा सा लेट हो जाया करती थी, लेकिन आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना था तो मैंने इसलिए खाना बना लिया। और यही मैंने प्लान कर रखा था कि वड़ा और सांभर बना लूँगी। ये बनाने से क्या होता है कि एक बार में ही बन जाती है, या तो इडली सांभर बना लो या वड़ा सांभर बना लो, ऐसी चीज़ें बना लो ना तो एक बार में बन जाएगी, बार बार में आपको किचन में आने की ज़रूरत नहीं, बार बार में आपको किचन साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। और ये बना हुआ हो तो परिवार का कोई भी सदस्य ना आके खा सकता है, परोस सकता है। तो यहाँ पे वड़े बन गए थे, इलू के लिए मैंने एक्स्ट्रा वड़े बना दिए हैं, ट्यूशन से आके खा लेगी, और दाल का पानी निकाल दिया। इन दो कुकर में से एक में सांभर चढ़ा दिया, एक में मैंने आलू उबलने चढ़ा दिए क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है, तो नाश्ते में ब्रेड पकौड़ा और बन जाएगा। तो जब खाना बना हुआ होता है ना आपका, तो फिर आपको ये टेंशन नहीं रहती है कि परिवार का पेट भरना होता है। देखो एक औरत को तो किसी को भी जब भी भूख लगेगी तो अपने आप लेके खा सकता है, तो फिर इसीलिए मैंने ये चीज़ बना दी है। और बस फिर मुझे आज एक चीज़ बनानी थी तो बस ये बर्तन बचे हैं जो कि मैं कर लूँगी। और उसके बाद मैंने ये पानी जो है ना पौधों में डाल दिया था, दाल का पानी, जैसे सब्जियों के छिलकों का पानी बना लो वो डाल लो, तो आपको ज़्यादा कुछ खाद वगैरह डालने की, कंपोस्ट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इससे पोषक तत्व पौधों को मिल जाते हैं। तो वो सब हो गया था। फिर इलू अभी जाएगी डबिंग करने, भी उसे जाना था, इलू आ गई थी और उसने बड़े बड़े खा लिए थे और फिर उसको जाना था डबिंग करने के लिए स्टूडियो, तो वहाँ जाएगी और उसके बाद मैं नहाऊंगी और उसके बाद ही जो है अपना जो एक्स्ट्रा काम मैं करना चाहती थी वो करूंगी। तो बस यहाँ पे मैं वेट ही कर रही थी कि कब इसके पापा आए इसको लेके जाएं, क्योंकि देखो शाम वाला मुझे नहाना था, सुबह नहा लेती हूँ, दोपहर को भी नहा लेती हूँ, फिर शाम को देखो काम वाम करो ना, किचन में खाना बनाओ तो फिर वही पसीने पसीने हो जाना होता है, तो फिर मुझे नहाना था, बाल भी वॉश करने थे, तो मैंने कहा ये वही इंतज़ार में थी मैं कि लेके जाएं तो फिर मैं गेट बंद करूँ और नहाऊँ और अपना काम पे लगूँ। तो ये सो रही थी यहाँ पे, आजकल ये घर पे ज़्यादा रहती नहीं, बस सोने ही आती है बस। तो बस ये कुछ लिपस्टिक्स थी, तो बस ये हो गई था, टाइम काफ़ी हो गया था, तो मैंने कहा चलो इनको डाल देते हैं डस्टबिन में, और नई क्योंकि अभी मैं 2-3 लाई थी तो मैंने कहा ये हटा देते हैं अब। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ, तैयार होंगी थोड़ा सा, और सबसे पहले मैं एक बार क्या कर रही हूँ कि मैं एडिटिंग कर रही हूँ, उसमें मुझे थोड़ा सा 20-22 मिनट तक का टाइम लगेगा। एडिटिंग ब्लॉग की कल के ब्लॉग की होगी ताकि संडे को भी पहुंच जाए, वरना संडे को क्या होता है ना कि आज ही मैं डाल दूंगी एडिटिंग करके और जो है शेड्यूल कर दूंगी कि इस टाइम तक आप लोगों तक पहुंच जाना चाहिए, वरना क्या होता है संडे होता है बेटी घर पे होती है, ये घर पे होते हैं तो, और फिर बहुत काम रहता है, इधर उधर जाने का भी रहता है बहुत सा काम, तो उस चक्कर में कई बार संडे को गैप आ जाता है मेरी वीडियो में, संडे को मैं कई बार नहीं डाल पाती हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि अभी मैं एडिट कर लूँ और एक्सपोर्ट करके और चढ़ा दूँ यूट्यूब पे और आप लोगों तक कल पहुंच जाएगी। तो और भी मेरे पास बहुत सारा काम है, 5-6 वीडियोस का काम रखा है, तो वो मुझे 20 से पहले 1-2 वीडियोस का काम करके देना 20 से पहले, तो अभी बहुत टाइट है मामला तो चलो मैं पहले 20 मिनट मेरे एडिटिंग में लगेंगे। तो देखिए अब आने वाली है दिवाली, और मैं ऐसे ही दिवाली के लिए कुछ डेकोरेट करने के आइटम्स और देख रही थी, तो मैंने देखा था जो शॉपिंग साइट है, ये फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इनमें कई चीज़ें निकल के आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इनको घर पे बनाया जाए। ये देखिए ये शुभ लाभ और होते हैं ना, रंगोली हो गई या ये बंधनवार हो गई, तो ऐसे कई दिख रहे थे, इनमें से मुझे ये भी दिखा शुभ लाभ वाला, जो कि आप मंदिर पर भी लगा सकते हो, अपने गेट पर भी हम लगाते हैं शुभ लाभ, है ना, लेकिन इसकी प्राइस क्या थी 450 इसकी, जैसे थी ये वाले थे तो इसकी 250 थी, तो लेकिन मेरे पास घर पे कुछ सामान रखा था तो मैंने सोचा क्यों ना ये घर पे ही बनाया जाए, जिससे कि मंदिर को भी हम डेकोरेट कर सकते हैं और साथ ही अपने गेट पे भी दिवाली पे शुभ लाभ और लगा सकते हैं। देख रहे हैं ना अब 450 इसकी रेट। तो मेरे पास कुछ ग्लिटर शीट्स रखी थी, है ना,
अब सेम टू सेम तो मैं वैसा नहीं बनाने वाली हूँ, लेकिन उस टाइप का कुछ बन जाएगा। तो ये देखिए कुछ ग्लिटर शीट्स रखी थी, और ये मेरे पास ये डब्बे रहते ही हैं, ये जो इस ये रखे थे है ना, और साथ ही कुछ स्टोन वगैरह मेरे पास रखे ही हैं। तो ये देखिए इसको मैं यूज़ लूँगी, और स्टोन वगैरह रखे ही हैं उन्हें यूज़ लूँगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस शेप का को ड्रॉ कर लिया, पत्ती की शेप, ठीक है। और ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर लिया, ताकि सेम साइज़ का ना ग्लिटर शीट में भी कट जाए, और ये जो डब्बा है इस पर भी मैं रख के इसको ड्रॉ कर लूँगी, और फिर इस तरीके का कट कर लूँगी। तो ये जो है एक पत्ती की शेप में बन जाएगा। इसके वो जो डब्बे का मैं कट करूंगी उसके ऊपर फिर मैं ग्लिटर शीट को चिपका दूंगी। देखिए ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया। अब इसको इस पे ग्लिटर शीट पे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये ग्लिटर शीट है 10 रुपये की एक आती है, ठीक है। और ये डब्बा मेरे पास फ्री में था, ऐसे ही आप लोगों के घर पे ही रखे होंगे है ना। तो बस 10 रुपये की एक ग्लिटर शीट हो गई। थोड़ा बहुत फेविकोल लगेगा, 5 रुपये का भी नहीं लगने वाला। जो 10 रुपये की वो छोटी वाली आती है ना, उसमें से बहुत कम लगेगा, पूरा नहीं लगा। इसी बीच इलू वहाँ पे बोर हो रही थी स्टूडियो में, तो उसने वीडियो कॉल भी कर लिया। तो इसी तरीके से मैं बात करती थी, और इससे पहले अथक ने भी मुझसे 1 घंटे वीडियो कॉल पर बात की थी। तो उसका भी जब मन नहीं लगता है तो मुझे लगा लेता है कॉल, या इलू को लगा लेता है। तो बच्चों को भी टाइम दे देती हूँ मैं, घर का काम करने के साथ साथ, और ये सारे काम भी कर लेती हूँ। तो देखो टाइम तो मैनेज करना होता है, फिर आप कैसे भी कर सकते हो। तो ये देखिए दोनों से मैंने बात भी की है, प्लस साथ साथ मेरा काम भी चल रहा है। तो ये दूसरा वाला पुराना फोन है, उस पर वीडियो कॉल कर लिया, क्योंकि इलू भी बोर हो रही थी। तो इसको ये था कि मम्मी मुझसे बात करो, पापा को आने में थोड़ा टाइम है। तो और अथक भी बोर होता रहता तो वो भी मुझसे कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनको टाइम नहीं देती, ये काम ही काम करती, तो सब कुछ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से कट कर लिया था मैंने, है ना। ये सारे कट हो गए, बस इसमें फेविकॉल लगाऊंगी और ग्लिटर शीट इसमें चिपका दूंगी। तो 10 रुपये की ग्लिटर शीट हो गई, और ये फेविकॉल 5 का भी मानो नहीं लगा, चलो 5 का मान लो, 5 का लग गया, ठीक है। और ये फ्री में था ये गत्ता जो था। तो इस तरीके से 450 रुपये की चीज़ को देखते हैं कितने में हम बनाते हैं। कुछ मेरे पास स्टोन वगैरह आपको पता ही है, आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान में लेके आई थी तो रखी थी, और वो हर जगह पे काम आते। पहले मैंने क्या किया कि मोती लगाने की सोची कि वाइट वाले मोती लगा लेते हैं। फिर जब मैंने क्वान्टिटी इसकी देखी मोतियों की, तो मुझे लगा नहीं यार ये थोड़े से दोनों में कम लगेंगे और ये कम्प्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने लाल वाले स्टोन लगा दिए। लाल वाले स्टोन आते हैं 20 रुपये के, 10 ग्राम के करीब आते हैं, और भी सस्ते मिल सकते हैं कहीं थोक के भाव में लो। तो ये मान लो कि 20 रुपये के लगे होंगे या उससे भी कम के लगे होंगे। ये मिक्स मेरे पिछले भी रखे थे और ऐसे करके रखे थे। तो ये चारों तरफ मैंने लाल वाले स्टोन लगा दिए। ये देखिए अब ग्लिटर शीट में अपने आप में ही चमक होती है, तो ये चमक भी रहा है। फिर मैंने कुछ ये मोती लगा दिए, तो मोती लगा के फिर मेरे पास ये 5 रुपये की एक माला आती है, चेन आती है, जो कि आर्ट एंड क्राफ्ट वाले सामान में काम आती है। तो मोती लगा के चारों तरफ इसकी माला लगाई, और अपने अकॉर्डिंग मैंने डिज़ाइन इसकी बना ली। तो इस तरीके से आप रंगोली भी बना सकते हो। वो ऐसे वाली रंगोली होती है, वो मैंने आप लोगों को सिखा भी रखी है 1-1.5 साल पहले। एक बार मेरे पास टाइम हुआ तो मैं एक बार और बना के बताऊंगी, और मैं अगर घर के लिए भी मुझे बनानी हुई तो एक ग्लिटर शीट की इस बार मैं रंगोली बनाऊंगी। 2-3 अगर बन जाए ना ऐसी रंगोली, तो आपको फिर उस टाइम पर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, बस फटाफट इन्हें रख दो। आप इससे दीवार भी डेकोरेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये लोग आ गए थे, तो फिर इन्होंने देखो खाना बना हुआ था, तो इन्होंने सांभर गर्म किया और परोस के ले आए थे। तो हम लोगों ने खाना खा लिया, क्योंकि मेरा इस काम पे मैं बैठी थी और रूम भी फैल रहा था और ये काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फिर इन्होंने परोस लिया। तो देखो खाना बनने होने से ये हुआ कि मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई। तो इस तरीके की कुछ मैंने डिज़ाइनिंग कर दी थी इसमें, और बस ऊपर मालाएं और लगानी है मुझे। तो इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक है। इन चीज़ों में ना जिसके अंदर वो धैर्य है ना वो, और शौक है, तो वो बैठा बैठा 1 घंटे के अंदर भी ये सब कुछ कर सकता है। तो बस 1 घंटे आधे घंटे में ये चीज़ें बन जाती हैं, चाहो तो सब कुछ हो जाता है बैठ के आप कर लो। तो खाना पहले बना दो और ज़रूरी काम कर लो, उसके बाद ये कर लो। तो ये मेरे पास स्पार्कल वाले भी रखे थे, कुछ गोल्डन सिल्वर रेड, तो इससे मैं इनमें शुभ और लाभ लिख दूंगी। तो ये देखिए रेड वाले से मैंने यहाँ पे और कुछ डॉट्स बना दिए हैं। तो ये देखिए 450 में जो चीज़ बाहर मिल रही थी, वो देखो ऐसे कितने सस्ते में बनकर तैयार हो गई होगी। 40 से 50 रुपये में ही ये बन के तैयार हो गए। अब इसके पीछे आप क्या कर सकते हो, आपको चिपकाओगे कैसे, इसे आप मंदिर पे भी लगा सकते हो, गेट पे भी लगा सकते हो, इसी तरीके से और बना के कहीं कहीं और दीवार भी डेकोरेट कर सकते हो। पीछे डबल साइडेड टेप लगा सकते हो या मास्किंग टेप लगा सकते हो, फिर इसके बाद आप इसे लगा सकते हो।
तो ये देखिए इस तरीके से पीछे से है ये कुछ, ये तो देखिए आगे से हो गया है ना। और इतना लाइट वेट है कि आप मास्किंग टेप से भी इसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये डबल साइडेड टेप है, इसमें आपको यहाँ लगा दीजिए डबल साइडेड टेप, और उसका वो हटा के, ये येलो वाला हटा के आप दीवार पे भी लगा सकते हो, और आप अपनी अलमारी पे भी लगा सकते हो, आप अपने मंदिर पे भी लगा सकते हो, कैसे भी इसे लगा सकते हो। तो ये बहुत लाइट वेट है क्योंकि ओनली ग्लिटर शीट है और ये गत्ता है। तो इस तरीके से आप ये सब कुछ घर पे ही बना सकते हो। ये देखिए, तो मास्किंग टेप लगाओगे तब भी ये बोझ ना झेल लेगा इसका, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट है, देखो बहुत लाइट वेट है, तो ये मास्किंग टेप से भी ठहर जाएगा। तो उससे और बिल्कुल भी आपका कुछ भी ख़राब नहीं होगा, दीवार वगैरह इससे भी वैसे ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से आप ना घर पे ही सब चीज़ें बना सकते हो और पैसे बचा सकते हो। 450 की चीज़ को आप 50 रुपये के अंदर जो है ना वो बना सकते हो, 40 रुपये के अंदर बना सकते हो, 30 रुपये के अंदर बना सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ये देखिए बन गया ना, वैसा नहीं है लेकिन उस टाइप का ही है और लग रहा भी सुंदर है। तो आप इसे गोल शेप में बनाइए, कैसे भी शेप में बनाइए आप बना सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स आज जो है मंडे और बस जस्ट आप लोगों तक व्लॉग आने वाला था, व्लॉग मैं एक्सपोर्ट कर रही थी, आधा व्लॉग एक्सपोर्ट हो चुका था, उसी बीच में सफाइयों में भी लग गई थी अपने काम पे। और जस्ट मैंने एक बार फिर से चेक किया कि पूरा एक्सपोर्ट हुआ या नहीं, चेक किया तो जैसे हमारी फ़ोन स्क्रीन पर ऐसे आ जाते हैं ना मैसेज, वैसे ही इंस्टा पे मुझे मैसेज कर रखा था प्रियंका दी ने, और उसमें था कि आज मेरा बर्थडे और उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ सेंड की हैं मुझे, कुछ उनकी ननद ने गिफ्ट किया है, तो जो मैंने अभी तक देखी नहीं है, मैं इंस्टा पे गई नहीं हूँ, इंस्टा पे नहीं गई हूँ क्योंकि अभी मुझे व्लॉग डालना था। तो लेकिन जस्ट वो सामने आ जाता है ना हमारे ऐसे, वो वाली चीज़ मैंने देखी, तो फिर मैंने अपने व्लॉग को एक्सपोर्ट होने से कैंसिल किया बीच में, कि मैंने कहा नहीं ये व्लॉग जाएगा। तो आज अगर उनका बर्थडे है तो आज ही मुझे उन्हें विश करना है, और चिड़िया पीछे बोल दिए, तो आज ही मुझे उन्हें विश करना है, तो मैंने उसको कैंसिल किया अपने व्लॉग को। और ये वाला जो क्लिप है मैं उनके लिए ऐड करूँगी इस व्लॉग में, क्योंकि वो मेरे व्लॉग्स देखती हैं, इंस्टा पे भी मुझसे बात करती है, बहुत अपनापन रखती हैं, मुझे अपना फैमिली मेम्बर मानती हैं, छोटी सिस्टर मानती हैं, ठीक है, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। कई लोग ऐसे मुझे मानते हैं, अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, कोई मुझे बड़ी बहन मानता है, कोई मुझे छोटी बहन मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, तो ऐसे ही प्रियंका दी हैं जो कि मुझे अपनी छोटी सिस्टर मानती है, अपनी चीज़ें मुझसे मतलब अपनी कुछ बातें मुझसे शेयर करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अपनापन फील होता है कि क्या बताऊँ मैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को शब्दों में बयान नहीं कर सकती, जब मुझे लोग इतना प्यार करते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर मानते हैं, तो फिर मेरे लिए भी बनता है कि उनका मुझे मैसेज मैंने रीड किया, हालांकि मैं वहाँ पे उनको सीन नहीं गया होगा लेकिन मुझे यहाँ पे दिख गया, तो मैंने कहा फटाफट मैंने अपना ब्लॉग एक्सपोर्ट होने से कैंसिल किया और मैंने कहा ये क्लिप तो उनके लिए ऐड करना बनता है। तो हैप्पी बर्थडे प्रियंका दी, आज आपका बर्थडे है, जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से, और मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार। और उन्होंने उनका मैसेज एक और आया था कि 17 तारीख को उनकी बेटी ऊर्जा का भी बर्थडे था, तो देखो अब ऊर्जा की मम्मी मुझे अपनी छोटी सिस्टर मानती है, तो इस नाते मैं उसकी मौसी हुई है ना, तो ऊर्जा को भी मुझे पता नहीं था उस दिन, 17 को नहीं पता था कि मुझे मुझे नहीं पता था कि ऊर्जा का बर्थडे है, तो आज कर देते फिर भी उसको विश। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ऊर्जा, मौसी की तरफ से ढेर सारा प्यार, दुलार, आशीर्वाद, और जीवन बहुत आगे जाओ, ऊंचाइयों को छुओ, मम्मी पापा का नाम रोशन करो, और आप सबकी बहुत लंबी उम्र हो। एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे दोनों को।